हेलो फ्रेंड्स, रिया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बॉबिन में धागा कैसे भरते हैं। तो ये देखिए, ये बॉबिन है, इसमें हम कैसे भरेंगे वो बताती हूँ। आप इस तरह से धागे को, ये थ्रेड गाइड है, इसमें धागे को आपको क्या करना, इस तरह से लाना है इसमें ऐसे, और फिर यहाँ ला करके आप क्या करेंगे, एक तो तरीका ये बोबिन वाला जो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये देखिए, बोबिन में होल दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये देखिए, इस होल में आपको क्या करना, अंदर से धागे को ऐसे डालना, इस होल से बाहर लाना और आपको बोबिन को ऐसे लगानी है। देखिए, अब हम इसको बोबिन को ऐसे लगा देंगे पूरा। आपको इसको अच्छे से प्रेस करना, ऐसा नहीं हो कि थोड़ा ऊपर ही रह जाएगा तो वो भी नहीं भरेगी। तो आपको इसको पूरा ऐसे दबा देना और अब क्या करना, आपको इधर इधर की तरफ स्लाइड करना, आपको ये देखिए राइट साइड में स्लाइड करना ऐसे, इस तरह से आपको इसको स्लाइड करना ऐसे। अब हम इसको चलाएंगे, देखिए इस धागे को आप पकड़े ही रखना है इस तरह से। अब हम इस धागे को काट देंगे, थोड़ा सा चला करके हम इस धागे को काट देंगे यहां से, और अब हम इसको चला देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि बोबिन भरते समय हमें हैंड व्हील को ऐसे बाहर नहीं निकालना पड़ता। दूसरी मशीनों में क्या होता है कि हम जब बोबिन भरते हैं तब हमें हैंड व्हील को बाहर निकालना पड़ता ताकि हमारी नीडल अनावश्यक नहीं चले, और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको हैंड व्हील भी इस तरह से बाहर नहीं निकालना होता और ये ऑटोमेटिक नई नीडल इसमें चलती है, और देखिए इस तरह से ये बोबिन भर जाती है। और इस मशीन में ऑटो ट्रिप सिस्टम है, ये है ना, क्या होगा कि ये बोबिन भर करके ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। मैं आपको पूरा भर करके बताती हूँ कि किस तरह से ये भर करके बंद हो जाती है। ये देखिए, ये ऑटो ट्रिप हो गई और जैसे ही बोबिन फुल हुई और ये ऑटोमेटिक बंद हो गई। ये देखिए, हम चला रहे हैं लेकिन ये नहीं घूम रही है, देखिए ये देखिए। इस तरह से आप इससे बोबिन बहुत ही आसानी से भर सकते हो, और ये देखिए बोबिन भी बड़ी अच्छी भरने में आई है, देखिए एकदम ठोस बोबिन भरने में आई है, देखिए एकदम बराबर इक्वल है ये। इस तरह से बोबिन भरोगे तो आपकी सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हाथ से भी भरो तो इस तरीके से भरें। अब मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ, जैसे आप होल में धागा डाल करके नहीं भरना चाहते हो तो आप सीधा इस तरह से आप बोबिन को लगाएं और ये धागा लेकर के, ये धागा ध्यान रखें कि अंदर के साइड से इस तरीके से ले, गिट्टी की तरफ से धागा आना चाहिए ऐसे, और इसमें क्या कि 7-8 राउंड कर दें आप, इसमें घड़ी की दिशा में इस तरह से आप 7-8 राउंड कर लें और एक्स्ट्रा धागे को आप काट लें। और अब आप इस बोबिन को इधर स्लाइड कर दें, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप बोबिन भर सकते हैं। बोबिन में एक और फंक्शन दिया है, देखिए आप अगर आधी बोबिन भरना चाहते हो तो इसमें यहाँ पर जो स्क्रू है इसको आप लूज करें, इस तरह से आप लूज कर दें, और ये देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई वाला यानी मोटाई वाला जो पोर्शन हो आप बोबिन की तरफ कर दें इधर, और आप यहाँ पे टाइट कर दें। तो अब मैं इस बोबिन को भी आपको भर करके बता देती हूँ कि ये बोबिन कितनी भरती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी नहीं भरी जितनी हमने पहले वाली भरी है, देखिए ये खाली है। मैं इसको बाहर निकाल करके बता देती हूँ आपको, ये फुल भरी हुई बोबिन है और इसमें देखिए ये खाली है। इस तरीके से इसकी सेटिंग करके बोबिन को आप कम ज्यादा भर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।